हे टीएमसी आर्मी, दिस इज़ आशु द होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग गाइस बात करने वाले हैं, जी हाँ, स्वॉडिगो। सो आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए एंड कुछ व्यूअर्स ने मुझे बोला भी, मैसेज भी किए कि भाई स्वॉडिगो गेम की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताओ। एंड सो गाइस, कुछ वीडियोस में मेरी जो आवाज़ थी वो दोस्तों कुछ अलग ही, कुछ चुवन सी थी मेरी आवाज़ के अंदर। सो इस बार दोस्तों उम्मीद है कि आवाज़ आप लोगों को सही आ रही होगी। मैंने सबवे सफर्स की वीडियो डाली थी एंड उसमें आप लोगों ने मेरी आवाज़ को कुछ या तो बीच में कट रही है या तो कुछ अलग ही टाइप की आवाज़ आ रही है आप लोगों को। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि गाइस मेरा जो माइक है वो दोस्तों ख़राब हो रहा था एंड मेरे पास होनोर का मोबाइल है, जिसकी वजह से दोस्तों मैं उसी में वीडियो बना रहा था। सो अब पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है माइक में। इस माइक में भी दोस्तों दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं चुप होता हूँ तो आपको कुछ अलग ही टाइप की आवाज़ सुनाई देगी, कुछ जैसे कि चिंगारी की आवाज़ होती है ड्रो टाइप, कुछ इस टाइप की आवाज़ आपको सुनाई देगी। सो गाइस चलिए वीडियो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। एंड दोस्तों चैनल पर न्यू आए हो तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम 50,000 सब्सक्राइबर के करीब ही कुछ ही सब्सक्राइबर्स करीब हैं, कुछ 5,000 या 6,000 सब्सक्राइबर्स कुछ करीब हैं। सो चलिए यार यहाँ से हम अपनी स्वॉडिगो गेम की स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे 200 दोस्त है यादव उनशी टेक्निकल नाम से उसका चैनल है, तो आप जाकर के उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यादव उनशी टेक्निकल चैनल ऑन यूट्यूब, जाओ एंड सब्सक्राइब करो एंड अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड यादव उनशी टेक्निकल को भी। सो गाइज, जब बात ये उस ज़माने की है जब राजा का ज़माना हुआ करता था। एंड दोस्तों कुछ राजा राजा में मतलब आपसे जो दूसरा राज्य होता है एंड एक राज्य और होता है, तो दोनों के राजाओं में आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। एंड दोस्तों जो स्वॉडिगो का जो राज्य था वो दोस्तों दूसरे अपोनेंट राज्य से लड़ाई में हार गया था। एंड जो स्वॉडिगो का जो राजा था एंड उसको बंदी बना लिया था दूसरे अपोनेंट राजा ने। एंड दोस्तों उस राजा को कर दिया था जेल के अंदर कैद, जी हाँ, जेल के अंदर कैद करने के बाद दोस्तों स्वॉडिगो जो था पूरे गांव में दोस्तों मतलब पूरे अपने राज्य में सबसे ताकतवर था। एंड दोस्तों उसने समुराई की हर एक चीज़ सीख रखी थी, क्योंकि वो बचपन से ही यही सीखता आ रहा था समुराई की। एंड उसके पेरेंट्स जो है बचपन में ही गुजर गए थे एंड राजा महाराजा जो थे वही दोस्तों उसकी देखभाल करते थे। एंड राजा जो थे वो दोस्तों स्वॉडिगो को अपने बेटे के समान मानते थे, जिसकी वजह से दोस्तों समुराई की हर एक चीज़ हर एक ट्रेनिंग हमारे स्वॉडिगो ने सीख ली थी। एंड दोस्तों समुराई की ट्रेनिंग सीखने के बाद इसका नाम पड़ गया था स्वॉडिगो। राजा ने खुद इसका नामकरण करके बहुत मुश्किल से रखा था स्वॉडिगो। एंड इस बार दोस्तों राजा ही अपनी जान की भीख मांग रहा है एंड स्वॉडिगो को ये देखा नहीं जा रहा। तो स्वॉडिगो दोस्तों क्या सीन करता है, उस अपोनेंट राजा को चुनौती देता है कि तुम मेरे साथ लड़ो। तो दोस्तों राजा जो था वो दोस्तों लड़ता तो बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन दोस्तों इसको एक चुनौती दे देता है, जी हाँ, क्योंकि राजा की जो बेटी होती है गाइस, जी हाँ, राजा की जो बेटी होती है वो दोस्तों किसी दूर के मतलब दूर के राज्य ने या किसी ने दोस्तों कैद कर ली होती है। एंड दोस्तों उस राज्य में जाना आसान बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें पार करनी होती है, जी हाँ, जैसे कि अलग अलग चीज़ें, ज्वालामुखी एंड बहुत सारी चीज़ें, ड्रैगन, बहुत सारी चीज़ें पार करनी होती है। एंड दोस्तों उस जब जाके उस राज्य तक पहुंच पाएंगे, जब जाके उसकी बेटी को हम बचा पाएंगे। तो दोस्तों राजा ने ये कहा स्वॉडिगो को कि अगर तुम मेरी बेटी को बचा लाओगे तो मैं तुम्हारे राजा को एंड तुम्हारे राज्य को मुक्त कर दूंगा, यानी छोड़ दूंगा और तुम्हारे राज्य से दोस्ती कर लूंगा। सो स्वॉडिगो ने जो ये जो उसकी वो थी तो स्वीकार कर ली थी, ओके स्वीकार कर ली थी एंड राजा को बोल दिया कि हाँ मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। तो स्वॉडिगो दोस्तों पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ जाता है एंड दोस्तों काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना कर देता है वो। एंड दोस्तों एक दो बार वो रह भी जाता है, लेकिन दोस्तों बहुत चोटें भी लगती हैं उसे, बहुत मतलब चोटें हो जाता है वो, बहुत थक भी जाता है। लेकिन दोस्तों उसको एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है, अगर एक हफ्ते के अंदर अगर वो उसकी बेटी को ले आया सो ठीक है, वरना नहीं। सो वो दोस्तों काफ़ी लोगों से मिलता है, कुछ अजीब प्राणी से मिलता है एंड वो उसे बताते हैं उस राज्य का रास्ता, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बेटा तुम्हारा वहाँ पे जाना सही नहीं होगा, वहाँ पे बहुत मुश्किलें आने वाली है। सो स्वॉडिगो जो था वो दोस्तों हार मानने वाला तो बिल्कुल भी है नहीं। सो हर एक चीज़ की दोस्तों हर एक चुनौती पार करके वो दोस्तों कैसे ना कैसे कितनों को हरा के कहाँ कहाँ से वो दोस्तों
दो अपने मतलब और लोग जब पूछते पूछते अंडरग्राउंड बेसमेंट से ज्वालामुखी पार करके छोटी छोटी दोस्तों रोड पार कर करके छोटे छोटे रोड पार करके लोगों से पूछ पूछ के बुड्ढो कुछ बुजुर्ग भी आते हैं उनसे भी पूछ पूछ के वो दोस्तों उस राज्य तक पहुंच जाता है। एंड दोस्तों उस राज्य में पहुंचने के बाद दोस्तों वो देखता है कि उसकी बेटी को जेल के अंदर बंदी बनाया हुआ है। सो वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो दोस्तों स्वोर्डिगो को पकड़ लेते हैं। दोस्तों पकड़ना तो दूर, स्वोर्डिगो को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि गाइस स्वोर्डिगो ने ऐसी समुराई की ट्रेनिंग सीख रखी है कि वो 20-20, 30-30 को अकेले ही संभाल सकता है और वो भी 2 मिनट के अंदर। एंड दोस्तों जितने भी सैनिक आए एंड स्वोर्डिगो ने उन सब सैनिकों को हरा दिया। एंड दोस्तों एंड में वो मिलता है वहाँ के राजा से एंड राजा को वो चुनौती देता है, अगर तुम मेरे से तलवारबाजी में जीत गए तो मैं यहीं रह जाऊंगा, अगर तुम मेरे से हार गए तो तुम इस लड़की को छोड़ दोगे और अपना राज्य हमारे हवाले कर दोगे, यानी अपने आप को हमारे राजा के हवाले कर दोगे। सो राजा चुनौती मंजूर कर देता है। एंड दोस्तों राजा भी समुराई होता है जो कि दोस्तों हर एक चीज़ उसको आई हुई होती है, जो जो पैतरे इसको आते हैं वही दोस्तों इस राजा को भी आते हैं। सो वो दोस्तों टक्कर का मुकाबला होता है दोनों के अंदर, दोनों के बीच में जो है बहुत टक्कर का मुकाबला होता है। एंड राजा दोस्तों दो तीन इसको तीन चांस दिए जाते हैं, यानी जैसे कि आपने देखा होगा हर एक बैटल में तीन चांस होते हैं। सो राजा की कहता है तीन बैटल, अगर कोई भी दो बैटल तुम या मैं जीते तो वो ही विनर होगा। सो दोस्तों पहला जो बैटल होता है वो दोस्तों स्वोर्डिगो जो है हार जाता है। जी हाँ, पहला जो बैटल होता है वो स्वोर्डिगो हार जाता है। एंड दोस्तों दूसरा बैटल में दोस्तों बहुत कोशिश करता है वो दोस्तों, गिरते गिरते बचता है दोस्तों, बहुत चोट लगती है उसको उस समय भी, लेकिन वो जीत जाता है। जी हाँ, कैसे ना कैसे राजा को हरा देता है। एंड दोस्तों अब बात आती है आखिरी मैच की। सो आखिरी मैच में दोस्तों जो है मैच जो है ड्रॉ हो जाता है, यानी दोनों आपस में गिर जाते हैं एक साथ एंड एक मौका और दिया जाता है एंड हमारा स्वोर्डिगो ही जीत जाता है। एंड दोस्तों राजा जो है वो दोस्तों अपने आप को राजा के हवाले कर देता है एंड उस लड़की को आज़ाद कर देता है एंड उस लड़की को लेके वो जाता है। लड़की उसको धन्यवाद देती है एंड वो राजा और लड़की को लेके जा रही मतलब जा ही रहे होते हैं तो एक दोस्तों राजा ने एक पंछी पाला हुआ होता है वो उसका मतलब वो जो है वो उस पर अटैक कर देता है एंड राज दो दो, दो स्वोर्डिगो को एक ही तलवार में उस पंछी का सिर अलग कर देता है एंड राजा को कोलर पकड़ के लेके जाता है एंड लड़की आज़ाद हो जाती है। एंड उसकी लड़की जो स्वोर्डिगो के जो राजा थे जिसने अपोनेंट राजा ने पकड़ रखा था उसको लड़की दे देता है एंड दोस्तों दोनों राजाओं में जो है दोस्ती हो जाती है। ये थी दोस्तों हमारी स्वोर्डिगो की रियल लाइफ कहानी। सो गाइस उम्मीद है आपको स्वोर्डिगो की रियल लाइफ स्टोरी जो है पसंद आई होगी। सो भाई वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर न्यू हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उम्मीद करूंगा कि इस बार माइक की आवाज़ जो है आप लोगों को बहुत अच्छी आई है। सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम गाइज एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट।